Subscribe to my channel Mix Arena and press the bell icon to get notified. हेलो गाइस, मेरे चैनल मिक्स अरीना पे आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कोल माइंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये वो दौर था जब कोल माइंस की इंडिया में शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई थी और इंडिया में उन्होंने कोल माइंस की शुरुआत की थी। उस समय कोल माइंस का दौर कुछ अच्छा नहीं था, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता था और डिमांड भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रोडक्शन बढ़ती गई और उसे बढ़ाने के लिए NCDC नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की का गठन किया गया 1956 में। एंड नाउ डे इंडिया इज दैट मच कोल दैट इट हैज फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ कोल। दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें कोल प्रोडक्शन की, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है कि सबसे ज्यादा कोयला अबाउट 662.79 मिलियन मेट्रिक टन्स हर साल कोयला निकालता और पावर प्लांट्स को, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, इन सभी प्लांटों को वो सप्लाई कर रहा ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुके। बहुत सारी दिग्गज कंपनियाँ हैं जैसे CCL, BCCL, ये सारी कंपनियाँ जो है ये कोल फील्ड्स को चला रही है ताकि कोयला उत्पादन हमेशा होता रहे और हमें इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मिलती रहे। तो और झारखंड में ये कोयला काफ़ी पाया जाता है, दामोदर वैली के रिवर के आसपास हमेशा कोयला हमेशा देखा गया है। और सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग सिटी जो है वो है धनबाद। धनबाद माना जाता है कोयला का गढ़ है, वो बहुत ही प्रसिद्ध सिटी है, आप लोग जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिक्स अरीना। कीप वॉचिंग।